हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि हम थोड़ा वेट ही करते हैं, इसमें ना लॉन्ग लेते हैं ना शॉर्ट लेते हैं, तो वही हो रहा है। बेसिकली क्या है मार्केट में अभी कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसकी इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही नेगेटिव आया, तो उसके चलते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और ऊपर से हमारी लगातार 5 दिन से प्रॉफिट बुक ना। आज निफ्टी ने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा और उसके नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग उससे ऊपर हो। तो देखिए, ड्यूरिंग द डे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें क्लोजिंग पे फोकस करना। मुझे लगता है कि क्लोजिंग जब तक हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम अभी लॉन्ग में खड़े हैं और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो कल हम बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके एक बार लॉन्ग लेंगे, स्टॉप लॉस हमें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेके चल। ठीक तो चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। मेरे हिसाब से वो भी वैसे ही होगा, वो तो वैसे भी बहुत ऊपर था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, तो वहां पर आ रहा होगा। तो वही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका। ये यहाँ पर है कहीं पर, हो सकता है ये कल टच करने की कोशिश करे, आज भी टच किया 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ जाए। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी शायद अभी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक के, तो वो मोमेंटम के चलते ऊपर जाने की कोशिश करेगा। स्पेशली क्योंकि हमें उम्मीद है कि बैंक के एनपीए थोड़े कम हुए होंगे और शायद प्रॉफिट इंक्रीज हुआ हो, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी को ऊपर ले लेते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपना फेवरेट आईटी सेक्टर देख लेते हैं, इंफोसिस क्या है। लगातार प्रॉफिट बुकिंग, सुपर ट्रेंड, जैसे कि मैंने कहा था सुपर ट्रेंड पे आए तो बाइंग करेंगे। आज इसने सुपर ट्रेंड अपना टच किया और एग्जैक्टली मैंने आपको कहा था 1420 पे बाइंग करेंगे, 1415 का स्टॉप लॉस लगा के, वही हुआ है। और वहां से अब ये 1415 रुपये आपको दे, तो अब ये यहाँ पर एक बार एग्जिट कर जाइएगा 1460 पे, जो कि हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब उसके ऊपर जाएगा फिर से बाइंग। तो देखिए दोस्तों, हमारा टेक्निकल एनालिसिस ठीक चल रहा है। एसबीआई प्रॉफिट बुकिंग, बैंक निफ्टी के चलते वहां भी प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे हिसाब से ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा और वहां से फिर से ये बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ तो जाएगा, स्पेशली क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी बैंक के रिजल्ट है, तो ये ऊपर आना की कोशिश करेंगे। टाटा मोटर्स ले लेते हैं। टाटा मोटर्स ने आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां टच किया, ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर चला गया। मुझे लगता है कि अभी बजाने के लिए तैयार। एसडब्ल्यू स्टील की रिक्वेस्ट आई थी, स्टील क्या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसने अपना सुपर ट्रेंड नहीं तोड़ा है, सुपर ट्रेंड पे टच किया और वहां से नीचे आ गया, और ये एक रेंज में फंसा हुआ है सुपर ट्रेंड और अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। इसमें अभी कुछ नहीं कर, थोड़ा वेट कर। एफएमसीजी स्टॉक, जिन्हें कहा था कि एफएमसीजी का कोई भी स्टॉक ले लीजिए, एशियन पेंट केमिकल और एफएमसीजी, तो ये मेरे को लगता है कि ये अभी बस प्रॉफिट बुकिंग है इसमें भी, और ये अभी ये ऊपर 3300 की तरफ जाने के लिए तैयार है। ये बस यहाँ से जैसे ही ये क्रॉस करेगा 3380, उसके बाद ये 3300 का अपना टारगेट जाने के लिए तैयार रहेगा और वहां जाके हम प्रॉफिट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया द फोरफ्रंट चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि जो हमारा वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपने इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो भी आपने ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट सलाह से। हमारा मकसद था सिर्फ आपको दिखाना कि कहाँ कैसे बनती है, कहाँ प्रॉफिट है। बहुत सिंपल सी चीजें दिखा रहे हैं आप, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल एनालिसिस। दो इंडिकेटर लगाए हैं मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक सुपर ट्रेंड, और वहीं पर फिबोनाची लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम आपको बता रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक होता है, इसको थोड़ा एडवांस जाना पड़ता है, जो आप डिस्कस करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमने आपको एक बेसिक दे दिया है, जैसे कि आपको यहाँ से ली जाना है तो उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी में हमने पेट्रोल डलवा दिया, लेकिन आगे ड्राइव कैसे करना है वो सीखना, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और चार्टर्ड
ऑल दैट डिस्कस करना है, वो डिटेल डिस्कशन। तो इसलिए आपने मुझसे सलाह कर। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन और कल।